गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप लोग को वॉइस नहीं आ रही है? No one giving me answer. Okay. No problem. Today we are going to start chapter 6.2. Chapter 6.2 is Plastic Kal Ka Khatra Aaj Hi Jaage. यहाँ पे हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि प्लास्टिक से हमारे जीवन में क्या क्या खतरा होगा. जिसके राइटर कौन है? सुदीप्त घोष. ठीक है, इन्होंने बताया है यहाँ पे प्रशांत महासागर की गहराइयों में कैलिफोर्निया के तट से 800 किलोमीटर और जापान के तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पट्टी है जिसे आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक माना जा सकता है. इसे द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, प्रशांत कचरा पट्टी नाम दिया गया है. यहाँ पे सुदीप्त घोष जी जो है लिख रहे हैं कि प्रशांत महासागर की गहराई में कैलिफोर्निया नामक एक तट है जहां से 800 किलोमीटर की दूरी पर जापान के तट से, जापान का जो तट है वहां से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पट्टी बनी हुई है जिसे आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक. क्रूर मतलब होता है दुष्ट. ठीक है, प्रतीक माना जाता है. इसे द ग्रेट गार्बेज पैच मतलब प्रशांत कचरा पट्टी के नाम से जाना जाता है या इसे नाम दिया गया है. ठीक है, माना जाता है कि इसका आकार भारत से 4 गुना बड़ा है. क्या माना जाता है कि ये जो कचरा पट्टी है इसका आकार कितना है? भारत से 4 गुना बड़ा. इसे इसमें पूरा कूड़ा करकट भरा हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक का कचरा भरा है. यहाँ क्या भरा है? बहुत ज्यादा कूड़ा करकट भरा हुआ है लेकिन सबसे ज्यादा प्लास्टिक भरा हुआ है. यह वह प्लास्टिक है जिसे हम इधर उधर जमीन पर फेंक देते हैं. आप लोग भी क्या करते हैं, जैसे कि कुछ बिस्किट हो गया या फिर कुरकुरे हुआ, इसके इसे खाने के बाद आप क्या करते हो? उसके रैपर को इधर उधर फेंक देते हैं. तो ये क्या होता है? हवा से या बारिश के पानी से बहता हुआ नालियों के माध्यम से नालियों में जाता है और नालियों से नदियों में, नदियों के द्वारा कहाँ से जाता है? महासागर में पहुंच जाता है. फिर यही जो कचरा है इसे सागर की लहरों के द्वारा ये क्या होता है? प्रशांत सागर में इस पट्टी में क्या होता है? जमा हो जाता है. क्लियर है यहाँ तक? आप लोग को वॉइस आ रही है? यस मैम, यस मैम. ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है सुदीप घोष जी जो लिखते हैं, प्लास्टिक जिसे 20वीं सदी में चमत्कारी पदार्थ की उपाधि से नवाजा गया है, अब हमारी आधुनिक सभ्यता से निष्ठुर चेहरे के रूप में उभर रहा है. यहाँ पे 20वीं सदी में जो प्लास्टिक है इसे क्या माना गया है? चमत्कारी पदार्थ माना गया है. चमत्कारी पदार्थ की उपाधि से इसे नवाजा गया है लेकिन आधुनिक युग में, आधुनिक मतलब हम जो जिस युग में जी रहे हैं उसे आधुनिक युग कहा जाता है. तो आधुनिक युग में जो ये प्लास्टिक है वह निष्ठुर चेहरे के रूप में उभर कर आया है, मतलब यह हमारे लिए एक खतरा है. इसके जैसा लचकदार पदार्थ प्रकृति में और कोई नहीं है. यह टिकाऊ है, वाटरप्रूफ है, बहुत हल्का व सस्ता है और सबसे बड़ी बात इसे किसी भी आकार में
ढाला जा सकता है। यहाँ पे बता रहे हैं सुदीप घोष जी कि इसका आकार जो होता है वो ये जो होता है वो बहुत ही लचकदार मतलब लचकने वाला पदार्थ होता है। प्लास्टिक को अगर आप मोड़ के देखेंगे, प्लास्टिक की पाइप वगैरह होती है तो अगर आप इसे मोड़ते हैं तो वो आसानी से मुड़ जाता है, मुड़ता है कि नहीं मुड़ता है, और वो टिकाऊ भी होता है। अब प्लास्टिक का ही आप लोग रेनकोट लेते हैं तो वो भी वाटरप्रूफ होता है, ज्यादा दिन तक चलता है, हल्का भी होता है और सस्ता भी होता है, और सबसे बड़ी बात है ये किसी भी आकार में ढल जाता है। अब जैसे कि हमारा जो रेनकोट होता है वो बड़ा सा होता है, लेकिन जब उस रेनकोट का काम खत्म हो जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद उसे फोल्ड करके किसी अच्छी जगह पे रख देते हैं तो उसका आकार क्या होता है, फोल्डेबल होता है, मतलब उसका आकार उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। हर दिन इसमें नए नए गुण जोड़े जा रहे हैं जिससे प्लास्टिक की उपयोगिता और भी बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक के इन्हीं फायदों की वजह से अब यह सेहत और पर्यावरण के लिए घातक बनता जा रहा है। यहाँ पे आगे सुदीप्त घोष जी जो लिख रहे हैं कि प्लास्टिक में और भी बहुत सारे नए नए तरह के गुण जोड़े जा रहे हैं जिससे प्लास्टिक की उपयोगिता क्या है, बढ़ती जा रही है। ज्यादातर घरों में बहुत सारे सभी के घरों में, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बोला जा सकता है, सभी घरों में क्या है, प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक के डिब्बे, प्लास्टिक का ही बहुत सारा सामान खरीद खरीद कर रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि वो सस्ता है और टिकाऊ भी है। इस वजह से इसके फायदे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा नुकसान है और पर्यावरण के लिए ये क्या है, घातक सिद्ध हो रहा है। प्लास्टिक जो है वो हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। घातक का मतलब होता है खतरनाक, और ये हमारे सेहत पे भी बहुत बुरा असर डाल रहा है। प्लास्टिक को प्रकृति से अपघटित नहीं किया जा सकता। अपघटित का मतलब होता है नष्ट, मतलब प्लास्टिक जो हम अभी तक बने हुए हैं उनको नष्ट करना पॉसिबल नहीं है, मतलब उसे नष्ट खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब तक हमने जो भी प्लास्टिक निर्मित किया है मतलब बनाया है, उसका प्रत्येक अणु कहीं ना कहीं पर्यावरण में मौजूद है और आने वाले सैकड़ों सालों तक यह वैसा ही रहेगा। जैसे भी प्लास्टिक बनते जा रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिक का निर्माण होते जा रहा है, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उसका अगर एक भी अणु जो है वो क्या है, पर्यावरण में मौजूद है, तो वो आने वाले सालों तक वैसे ही रहेगा, वो बिल्कुल भी नष्ट नहीं होगा, ऐसा सुदीप्त घोष जी लिख रहे हैं और आप लोग भी जानते ही होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक बैग्स की जगह पे आप घर में यूज होने वाले कपड़े के बैग्स को लेके जाइए, उसमें सब
आप लोग को वॉइस नहीं आ रहा? मैम पहले आपका माइक म्यूट था, अभी आ रही है। हाँ कहाँ तक पढ़ा है बेटा आप लोगों ने? फिर ये पूरा बता दिया क्या मैंने? वहां तक सुने हो? बता तो दिया है पर आप लोग सुने हो कि नहीं यहाँ तक? कहाँ तक सुने हो? रिप्लाई नहीं करना है? हाँ मैम थर्ड पैराग्राफ से समझाना। थर्ड पैराग्राफ सुने ही नहीं हो? नो मैम। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जो सुदीप्त घोष है वो क्या लिख रहे हैं? मनचाहा आकार देकर उसे ठोस रूप में परिवर्तित किया जा सके ऐसे पदार्थ की चाहत नहीं मनुष्य को प्रकृति में उपस्थित प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया है। यहाँ पे जो बता रहे हैं सुदीप्त घोष जी कि जो प्लास्टिक है उसे हम मनचाहा आकार दे सकते हैं, मनचाहा आकार देकर उसके निर्मित कर सकते हैं, तो इसलिए मनुष्य की जो चाहत है और इच्छा है वो प्लास्टिक के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, तो इसका प्लास्टिक का इस्तेमाल भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन प्लास्टिक जो प्राकृतिक रूप से प्लास्टिक पाई जाती है वो इतने सारे लोगों के लिए क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, मतलब सभी को नहीं मिल सकता है ये चीज प्लास्टिक प्राकृतिक रूप से जो निर्मित होता है, तो उसके लिए क्या करना होगा? कृत्रिम प्लास्टिक बनाना होगा। तो कृत्रिम प्लास्टिक बनाने की जरूरत महसूस हुई तो कृत्रिम प्लास्टिक बनाया गया। ज्यादातर लोगों के घर में कृत्रिम प्लास्टिक का यूज किया जाता है। अब कृत्रिम प्लास्टिक जो होता है उसको इस्तेमाल करने के बाद उससे कच्चा तेल, कोयला या प्राकृतिक गैस इत्यादि बनाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे सुदीप्त घोष जी लिख रहे हैं। अब क्लियर हो गया? यस मैम। क्रूर मतलब क्या होता है? क्रूर का मतलब क्या समझते हो? चलो क्रूर मतलब होता है निर्दयी। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट पेज। हाँ तो यहाँ पे जो है लोकप्रिय क्यों है, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है प्लास्टिक जो है वो लोकप्रिय क्यों है? हमारी जिंदगी पर प्लास्टिक का जो है प्लास्टिक लोकप्रिय क्यों है? हमारे जिंदगी पर प्लास्टिक का बहुत गहरा असर है। अनेक प्लास्टिक तो हमारे घर के सदस्य जैसे हो गए हैं, जैसे नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलिथीन, टेफ्लॉन, ये सभी चीजें जो हैं हम घर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बहुउपयोगी और सस्ता होने के कारण प्लास्टिक इतना लोकप्रिय हुआ है। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का सामान जो है, आप लोग देखोगे कोई भी छोटा सामान, अगर एक डब्बा प्लास्टिक और स्टील का डब्बा है, दो टाइप के डब्बे हमारे पास, तो स्टील का जो डब्बा होगा वो महंगा होगा, प्लास्टिक का जो डब्बा होगा तो वो सस्ता होगा। अब सस्ता होने की वजह से लोग क्या करेंगे, उस डब्बे प्लास्टिक वाले डब्बे को ज्यादा खरीदेंगे, तो इसका उपयोग जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्लास्टिक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए अलग गुणों वाले प्लास्टिक का कोई भी मिश्रण तैयार किया जा सकता है। यहाँ पे प्लास्टिक जो है वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे कृत्रिम रूप से बनाए जाने के कारण इसका जो गुण है वो अलग अलग प्लास्टिकों का मिश्रण तैयार करके इसे बनाया जाता है।
हमारे पास कई तरह के प्लास्टिक उपलब्ध हैं, जैसे कठोर प्लास्टिक, कम वजन वाले प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक, ताप या बिजली का कुचालक इत्यादि। यहाँ पे कितने टाइप्स के प्लास्टिक बताए गए हैं, कठोर प्लास्टिक जो टाइट प्लास्टिक होते हैं जिससे कि आपका डिब्बा वगैरह बनता है। कम वजन वाले प्लास्टिक कौन से होंगे, जैसे कि पॉलिथीन होती है ना, प्लास्टिक की पॉलिथीन हो गई, या फिर और भी चीजें हैं प्लास्टिक के जिसके वजन कम होता है। पारदर्शी प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक मतलब जो पॉलिथीन वगैरह स्कूल वगैरह में टंगे होते हैं जिससे आर पार देखा जा सकता है, ठीक है, वो पारदर्शी प्लास्टिक हो गई। बिजली के सुचालक और कुचालक बोलते हैं, ठीक है, तो बिजली में उपयोग होने वाले जो प्लास्टिक है तो वो उस तरह के प्लास्टिक हो गए। तो यहाँ पे बहुत तरह के प्लास्टिक के बताए गए हैं कि किस तरह के प्लास्टिक के सामान उपयोग में आते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्लास्टिक जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी पदार्थ बन गया है। बहुउपयोगी मतलब हर तरह से उपयोग में आने वाला, पैकेजिंग, भवन निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाएं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खेल सामग्री और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग या इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट लाइन पे हम थे कि प्लास्टिक का जो सामान है वो कहाँ कहाँ यूज होता है पैकेजिंग के लिए। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुरकुरे, चिप्स, लेस, ये सब का पैकेजिंग, या फिर बिस्किट, पानी का बॉटल हो गया, और तेल के पैकेट्स वगैरह, बहुत सारे चीजों की पैकेजिंग जो होती है वो प्लास्टिक में होती है। फिर भवन का निर्माण, भवन निर्माण में भी प्लास्टिक का यूज किया जाता है। भवन निर्माण में प्लास्टिक का यूज कहाँ कहाँ होता है, एक तो पहले तो बिजली में होता है, सेकंड पानी का जो नल वगैरह है वो भी प्लास्टिक के मिलते हैं जिनको सस्ता खरीदना है। फिर इसके बाद आपका है हाँ, तो यहाँ पे जो बिजली के काम के लिए, या फिर और क्या बताया गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खेल के सामान में भी जो होता है प्लास्टिक का ही सामान यूज किया जाता है। वस्त्र उद्योग में इसका व्यापक मतलब बहुत ज्यादा किया जाता है। आज प्लास्टिक बड़ी तेजी से सभी पारंपरिक पदार्थों जैसे जूट, कॉटन, चमड़ा, पेपर और रबर का स्थान लेता जा रहा है। पारंपरिक मतलब बहुत पहले समय से जो है वो जूट का, कॉटन का, चमड़ा, पेपर इत्यादि, इन सब रबर के स्थान पर प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले जूट की बोरियां मिलती थी, ठीक है, जूट की बोरियों में ही क्या मिलता था, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल इत्यादि सामान जो है जूट की बोरियों में मिलते थे। तो अब जूट की जगह पे क्या यूज होने लगा है, प्लास्टिक की बोरियां। प्लास्टिक की बोरियों में आता है आपका गेहूं, चावल रख के आता है क्योंकि वो सस्ता है और ज्यादा दिन तक टिकाऊ भी रहता है। इस वजह से उसमें पानी भी नहीं जा पाता है, सीलन नहीं होता है, इस वजह से प्लास्टिक के बोरियों का भी यूज किया जाता है। कॉटन का कपड़ा होता है, चमड़ा है, तो चमड़े का यूज तो बहुत ही कम हो गया है आज के समय में। पेपर की जगह पे भी प्लास्टिक का यूज हो रहा है, रबर के स्थान पे भी प्लास्टिक का
रबर यूज किया जा रहा है। अधिकांश प्लास्टिक पेट्रो रसायन खासकर तेल व प्राकृतिक गैस से बनाए जाते हैं जो सस्ते होते हैं। यहाँ पर अधिकांश जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक रसायन जो है वो किससे बनाए जाते हैं, तेल व प्राकृतिक गैस से बनाए जाते हैं जो कि बिल्कुल सस्ते होते हैं। प्लास्टिक उद्योग का काफी मशीनीकरण हो चुका है और इसमें मानव श्रम का इस्तेमाल कम से कम होता है, इस वजह से भी प्लास्टिक सस्ता पड़ता है। यहाँ पे जो है कि किसी भी चीज को, जैसे कि कपड़ा हो गया, जूट हो गया, चमड़ा हो गया, इन सभी चीजों को बनाने के लिए मनुष्य जो है क्या करता है, इन सभी चीजों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन प्लास्टिक को बनाने के लिए मशीन से प्लास्टिक बनाया जाता है, उसके लिए मनुष्यों की जरूरत नहीं होती है, श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती, इस वजह से भी प्लास्टिक जो है बहुत ज्यादा सस्ता है। क्लियर है यहाँ पर तक आप लोगों को? कोई डाउट है? नो मैम। ठीक, आगे यहाँ पे लिख रहे हैं घोष जी, इस चमत्कारी पदार्थ के साथ अनेक समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्लास्टिक की समस्या। प्लास्टिक की कौन कौन सी समस्या है? चमत्कारी, यह एक चमत्कारी पदार्थ है लेकिन इसके साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई है, जिससे खासकर इसके जहरीले प्रभाव और पर्यावरणीय खतरों के कारण को लेकर सर्वत्र चिंता जताई जा रही है। मतलब जैसे कि प्लास्टिक जो होता है वो अपघटनशील नहीं होता है। अपघटनशील का मतलब इसे जलाया या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये जैसे का तैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इस वजह से चिंता भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके जहरीले प्रभाव कौन कौन से हैं? विशुद्ध प्लास्टिक पानी में अघुलनशील और रासायनिक तौर पर अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है, जो विशुद्ध शुद्ध प्लास्टिक होता है और एक विशुद्ध प्लास्टिक होता है। तो विशुद्ध प्लास्टिक जो होता है वो पानी में बिल्कुल भी घुल ही नहीं सकता और रासायनिक तौर पर इसके नष्ट नहीं किया जा सकता। निष्क्रिय का मतलब होता है नष्ट, इसलिए प्लास्टिक अपने शुद्ध रूप में कम जहरीला होता है। प्लास्टिक जो होता है वो शुद्ध रूप में कम जहरीला होता है, लेकिन अशुद्ध रूप जब हो जाएगा तो वो उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम विशुद्ध प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मनचाहा प्लास्टिक हासिल करने के लिए हम इन्हें विभिन्न तरह के जहरीले एडिटिव मिलाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ, पानी आदि के प्लास्टिक के संपर्क में आने से ये जहरीले रासायनिक से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विशुद्ध प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल बहुत कम ही किया जाता है, लेकिन मनचाहा प्लास्टिक हासिल करने के लिए इनमें कुछ तरह के जहरीले एडिटिव भी मिलाए जाते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ जो होता है वो पानी आदि के संपर्क में आने से ये जहरीले रसायन उनमें मिल जाते हैं। पीवीसी को लचीला बनाने के लिए उनमें जो रसायन मिलाया जाता है उनके बारे में पाया गया है कि वे हार्मोनल प्रक्रियाओं की में बाधा पहुंचाते हैं और इस तरह कैंसर की आशंका पैदा करते हैं। शिशुओं की दूध पारदर्शी बोतल जिस पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है उसमें बीसीफोनल ए या बीपीए होता है, जो हार्मोन्स में गड़बड़ियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लास्टिक का पीवीसी को लचीला बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें रसायन मिलाया जाता है और ये जो होता है वो हार्मोन्स, हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं उनकी क्रियाओं को ये बाधा पहुंचाते हैं, जैसे कि और बाधा पहुंचाएंगे तो कैंसर होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो दूध पीने वाला बॉटल होता है वो पारदर्शी बॉटल होता है, तो पारदर्शी उसे बनाने के लिए इसमें पॉलीकार्बोनेट नामक पदार्थ मिलाया जाता है, रसायन मिलाया जाता है जिसे बीसीफेनॉल या बीपीए कहते हैं। जो हार्मोन्स में गड़बड़ी, मतलब हमारा जो हार्मोन्स होता है उसमें वो बराबर रूप से काम नहीं करेगा और इससे कैंसर, इंसुलिन में बाधा, जलन, दिल की बीमारी इत्यादि हो सकता है। कुछ एडिटिव अनुवांशिक क्षति भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे जो प्लास्टिक है वो अनुवांशिक क्षति भी पहुंचाते हैं, नुकसान, क्षति का मतलब होता है नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में प्लास्टिक के लगातार बढ़ते इस्तेमाल के कारण जहर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हम अपने दिनचर्या में जो है
वो प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे जहर का खतरा, प्लास्टिक के जहर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। भारत जैसे देश में सस्ता प्लास्टिक खासकर गरीब तक तबकों के बीच तेजी से पैठ बनाता जा रहा है। यहाँ पे बता रहे हैं कि भारत जो है, भारत में प्लास्टिक जो है वो बहुत ही सस्ते रूप में मिलता है और खासकर गरीबों के बीच में ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। साथ ही इसके गलत इस्तेमाल से भी स्वास्थ्य संबंधी बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं। जागरूकता की कमी और प्लास्टिक के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार प्लास्टिक को अन्य कूड़े करकट के साथ जला दिया जाता है। प्लास्टिक को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सीजन और यूरोन जैसी जहरीली गैसें हवा में फैल जाती हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लास्टिक का यूज जो है वो गरीबों में भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं और जागरूकता की कमी होने के कारण प्लास्टिक का निस्तारण का मतलब होता है खत्म ना किया जा पाने वाला, निस्तारण मतलब निपटारा या निपटाना, उसको उसका निपटारा नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से उसकी निपटारण की मतलब उसके निपटाने की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस वजह से प्लास्टिक को जो हमारे पास घर में कूड़े करकट होते हैं उनके साथ हम मिला देते हैं और उसे क्या करते हैं, बाहर में कभी कभी जला भी दिया जाता है। तो लेकिन जब प्लास्टिक जो है जलता है तब उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सीजन और यूरोन जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं जो कि वातावरण में फैलकर वातावरण को दूषित करती हैं। डाइऑक्सीजन और यूरोन से कैंसर व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। यहाँ पे डाइऑक्सीजन और यूरोन से कैंसर एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस तरह ये गैसें काफी खतरनाक होती हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि प्लास्टिक हमारे लिए एक समस्या है, किस तरह से ये खतरनाक है यहाँ पे ये बता दिया। समझ आ गया? Yes, ma'am. कोई डाउट है? No, ma'am. Okay. तो कल मैं आप लोगों को आगे का एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट टू पेजेस। हैव अ गुड डे। यस मैम, हैव अ नाइस डे मैम।